नूरपुर ब्लॉक की पंचायत सुलियाली में पिछले लगभग 70-80 वर्षों से हर साल नवरात्रों को रामलीला की जा रही है। इस गांव की रामलीला देखने गांववासियों के साथ साथ दूर दूर से लोग आया करते थे। भले अब चाहे बदले युग में लोग किन्हीं कारणों से रामलीला देखने कम आ रहे हैं, पर रामलीला क्लब के कलाकार हर साल बेहतर से बेहतरीन किरदार करके परंपरा को निभा रहे हैं। इस रामलीला में पिछले 35 सालों से नरेश शर्मा, दशरथ व अन्य कई किरदार करते आ रहे हैं और युवाओं को इस परंपरा को निभाने के लिए प्रोत्साहित करते आ रहे हैं। दशरथ का किरदार निभाने वाले कलाकार नरेश शर्मा ने कहा कि हमारे गाँव में रामलीला पिछले 70-80 सालों से होती आ रही है। पहले हमारे बुजुर्ग किया करते थे, अब आगे नए युवा कर रहे हैं। यह हमारे बुजुर्गों की धरोहर है जिसे हम निभा रहे हैं। युवा कलाकार हर साल इसे कर रहे हैं और आगे आने वाले युवाओं को श्री राम भगवान की कथा के बारे में बता रहे हैं। यहाँ पर दशहरा भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। सौरभ पठानिया जानू ने कहा कि मैं पिछले 4 साल से इस रामलीला में लक्ष्मण का किरदार निभा रहा हूँ। मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ ये रामलीला। हमारे बुजुर्ग इसी तरह रामलीला करते थे, हम रहे ना रहे, पर यह रामलीला आगे भी इसी तरह चलती रहे और हम बुजुर्गों की परंपरा को निभा रहे हैं और हम चाहते हैं कि आगे भी युवा इसी तरह निभाएंगे। ग्राम सुलियाली का, गांव सुलियाली का एक समझे के पूरे वर्ष में एक रामलीला का मंचन और दशहरा उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और यहाँ के बच्चे बड़े प्यार से, मेरा अनुभव लगभग 40-45 वर्ष का हो चुका है, लेकिन ये जो बच्चे काम कर रहे हैं बड़ा एक शौक रखते हुए, प्रभु का नाम लेते हुए बड़ी अच्छी कला का प्रदर्शन भी करते हैं और उसमें पूरा आस्था भी रखते हैं और बिल्कुल अपना प्रयास से ये पूरे गांव को रामलीला जो हमारे पूर्वजों की आज से लगभग जो हम जानते हैं 70-80 वर्ष पहले से ये परंपरा चली हुई है, पूर्वजों की ये धरोहर है। हम चाहते हैं कि ये जो कार्यक्रम है आगे आने वाले बच्चे इसे बड़ी धूमधाम से मनाए, प्रभु का चित्रण है और इससे कुछ सीखें, उस पर आचरण करें ताकि हम हमारी संतान जो है वो इस चीज को आचरण करते हुए प्रभु श्री राम जी के नक्शे कदम पे चलते हुए अपने जीवन को सुधारें और समाज को एक नई दिशा दें। नमस्कार जी, मैं पिछले 4 साल से लक्ष्मण का रोल कर रहा हूँ। ये रामलीला हमारी सुलियाली में हो रही है और जब से मैंने होश संभाला है इसी तरह से हम लोगों को देखते आ रहे हैं और हमारे पूर्वज जो भी हमारे पहले करते थे उसी तरह से अभी निरंतर रामलीला हमारी चल रही है और हम चाहते हैं कि कल को हम रहें या ना रहें ये रामलीला ऐसी ही चलनी चाहिए। हमारे जो आगे आने वाले बच्चे होंगे वो भी इसी तरह करें जैसे कि हमने अपने पूर्वजों को रामलीला करते हुए देखा है। हिमाचल प्लस न्यूज़ के लिए कांगड़ा ब्यूरो से संजीव महाजन की रिपोर्ट।